ghamasan.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय और आज लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और हम वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी से जानेंगे इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में कुछ बात। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं चुनाव के, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ सारे विपक्षी दल थे। विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने की भरपूर कोशिश की, चौकीदार चोर है से लेकर राफेल घोटाले को उठाने और एयर स्ट्राइक का राजनीतिक उपयोग करने या दुरुपयोग करने की बात जो कही थी, वो सारे मुद्दे धाराशाही हो गए। आप देखेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभाओं में ये दावा करते थे कि अब की बार 300 पार और सुनामी लहर चल रही है, ये चुनाव में नहीं जनता लड़ रही है, और वाकई जिस हिसाब से अभी जो परिणाम आ रहे हैं, अभी तो कई सीटों के रिजल्ट आना बाकी है, देर रात तक पता चलेगा कि कुल कितनी सीटें कौन से दल ने जीती है, लेकिन अभी तक का जो रुझान है उससे साफ हो चुका है कि अगले प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी होंगे और 300 से ज़्यादा सीटें अकेले भाजपा को मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा होगा कि किसी सत्तारूढ़ दल को केंद्र में पहले से ज़्यादा सीटें मिली हो और इतने बड़े पैमाने पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते, ये वाकई नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने जिस तरह से हर रोज 20 घंटे से ज़्यादा काम किया, उसका परिणाम ये हमको देखने को मिल रहा है। विपक्ष की बात करें तो सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की हालत ये है कि उनके प्रधानमंत्री के पद के दावेदार राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तभी इस बात का अंदाजा लग गया था कि अमेठी से वो चुनाव हार सकते हैं, इसलिए वे वायनाड से भी चुनाव लड़े, हालांकि वहां पर वे सर्वाधिक मतों से विजय हो रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि राहुल गांधी कोई करिश्मा आखिर क्यों नहीं कर पाए। देश के युवा और महिलाओं ने खास तौर पर नरेंद्र मोदी को अपना माना और नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता साबित हुए। जिस तरह से युवाओं ने और नए मतदाताओं ने जो वोट किया है वो 90% नहीं 99% नरेंद्र मोदी को देखकर वोट दिया। कई लोगों को इस बात से उम्मीद नहीं थी, कोई जानकारी भी नहीं थी, ना उनको कोई मतलब था कि उनके इलाके में कौन भाजपा का प्रत्याशी है। वो तो नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए निकल पड़े थे, मतदान केंद्र तक गए और कमल के फूल पर बटन दबा दिया, उसका ये परिणाम देखने को मिला। और इस चुनाव के जरिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने ये साबित करने की कोशिश की है कि हम अपने संगठन और अपने काम के बलबूते पर और ख़ास तौर से इस चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा जो हावी रहा उस मुद्दे पर लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए और परिणाम आपके सामने है। इस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनमें कई दिग्गज नेताओं को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा है, तो उस पर आप क्या कहें? निश्चित तौर पे राहुल गांधी की हम बात करते हैं, जया प्रदा की बात करते हैं, उसके अलावा हम दिग्विजय सिंह की बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं, ऐसे कई दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव हार गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे चुनाव हार गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से चुनाव हार गए, ऐसे कई दिग्गज इस बार धाराशाही हो गए। और इस बात से ये साबित होता है कि दिग्गज कांग्रेस नेता भी और दिग्गज विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेता भी कहीं ना कहीं मोदी की सुनामी लहर का जो है असर उनके परिणाम पर पड़ा और वो नेता समझ नहीं पाए कि आखिर चुनाव किस करवट जा रहा है। मध्य प्रदेश के जिस हिसाब से नतीजे आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की जहां तक हम बात करें तो 3 महीने पहले कमलनाथ सरकार यहां बनी और उसके बाद ये लग रहा था कि यहां पर 8-10 लोकसभा सीटें आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर लगातार गलतियां की, किसानों के सभी कर्जे माफ नहीं हुए,
कुछ किसानों के कर्जे माफ हुए, लेकिन अधिकतर किसानों की शिकायत थी कि उनके कर्जे माफ नहीं हुए। कमलनाथ ये दावा करते रहे कि आचार संहिता लगने के कारण हम किसानों के कर्जे माफ नहीं कर पा रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद हम सबके कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन वो मुद्दा कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। जो राहुल गांधी ने एक नारा दिया था कि हम 72,000 रुपये साल बेरोजगारों को देंगे, उसका असर भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ कांग्रेस के संगठन में घेरी पेट रखने वाले और कार्यकर्ताओं के बीच में खासतौर से लोकप्रिय रहे दिग्विजय सिंह को एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया, वो वहाँ चले गए और उसके बाद अधिकांश समय उन्होंने अपनी सीट पर दिया, और आखिरी में जब मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान होना था, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करने की बजाय अपने बेटे की डिग्री लेने अमेरिका चले गए, और इस तरह से कांग्रेस के नेता अलग थलग हो गए। और जो कमलनाथ ने एक धमकी दी थी, विधायकों को चेतावनी दी थी, मंत्रियों को कहा था कि आपके इलाके से हर हालत में कांग्रेस जीतना चाहिए, लेकिन आज के हालत में ये है स्थिति है कि अभी तो 114 विधायकों में से लगभग 75 विधायक और मंत्रियों के इलाके में कांग्रेस की बुरी पराजय हुई है, और अब कमलनाथ सरकार के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय आ गया है। कमलनाथ सरकार को अपना रवैया, अपनी पॉलिसी, अपना काम करने का तरीका और भी बातें बहुत सारी ऐसी है जो बदलाव करना पड़ेगी। अब ये तो समय आने पर पता चलेगा कि कमलनाथ क्या करते हैं। अभी तो कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए भाजपा के नेता लग गए हैं, और इसके साथ साथ ये दावा किया जा रहा है कि 20-25 दिन से ज़्यादा कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि सिर्फ महज 5-6 सीटों का अंतर है, और हो सकता है कि भाजपा के संपर्क में कुछ कांग्रेसी विधायक, निर्दलीय विधायक और सपा बसपा के 3 विधायक हैं, तो वो भाजपा के साथ होकर सत्ता पलट सकते हैं, लेकिन अभी इसमें भी समय लग सकता है। और ये भी है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के यदि हम बात करते हैं, तो आने वाले समय में ये भी पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश पे भाजपा का आखिर चेहरा कौन सा होगा। इस तरह की और भी राजनीतिक समीक्षाओं के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। आप देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।